प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें एरोगेंट बोलने पर एजाज खान के रिएक्शन आए हैं सामने। आइए जानते हैं कि क्या है एजाज खान के रिप्लाईज। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि एजाज खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो कॉल से कनेक्ट हुए थे और क्योंकि एजाज खान घर से बाहर है अभी बिग बॉस के घर से, इस वजह से वो वीडियो कॉल से कनेक्ट हुए थे, जिस पर प्रेस ने मीडिया पर्सन ने काफी सारे सवाल किए थे, जिस पर एजाज खान का रिस्पॉन्स जो था वो काफी एरोगेंट था। वो काफी एरोगेंटली रिप्लाई कर रहे थे मीडिया पर्सन को। इसी के साथ, इसी को देखते हुए कलर्स वालों ने, यानी कलर्स टीवी के ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया गया कि एजाज खान ने बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बिहेव किया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि एजाज खान के एरोगेंट नेचर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया पर्सन्स हुए खफा उनसे। तो इस तरीके से कलर्स के इस ऑफिशियल ट्वीट पर एजाज खान ने रिस्पॉन्स दिया है, रिप्लाई किया है और रिट्वीट कर ये कहा है कि अगर आप उन्हें लायन का टैग देते हो तो लायन को रोर भी करने दो। यानी कि कहीं ना कहीं एजाज खान ने ये कहा है कि अगर एजाज खान को लायन का टैग एक तरीके से मिला है तो उसे दहाड़ने भी दो शेर की तरह। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया पर्सन्स को रिप्लाई किया था और कुछ भी नहीं, इसके अलावा मैंने कोई भी एरोगेंटली बिहेव नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई किया है और अगर फिर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं तो भी मैं उस इल्ज़ाम को अपने ऊपर लेते हुए मैं वैसे ही ब्राइटली शाइन करूंगा और बिल्कुल वैसा ही रहूंगा। तो इस तरीके से इल्ज़ाम लगाने पर एजाज खान के ये रिप्लाई आए हैं कि एजाज खान ने ये कहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई किया है और उन्होंने खुद को शेर भी बताया है। गाइज, क्या आप एग्री करते हैं एजाज खान के स्टेटमेंट से? कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।